बाबा देवादिदेव महादेव की भक्ति करो। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करना चाहिए, शांत रहकर। पीछे की आवाज खोल दो थोड़ा। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करो, शांत रहकर करो। भक्ति और मेहनत जितनी शांत रहकर करते हो, तरक्की उतनी शोर मचाकर तुम्हारे सामने प्रकट होती है, उतनी शोर मचाकर प्रकट। भक्ति में अगर तुम शोर करोगे या मेहनत करने में शोर करोगे कि मैंने तो इतना काम करा, तो तुम्हारे को सफलता अच्छी विद्वत्ता में नहीं मिलेगी, प्रबल नहीं मिलेगी। जो बच्चा कहता है ना कि मैं तो दिन रात पढ़ता हूं, नंबर उसी के काम आते हैं। जो शांत रहकर चुप रहकर अपना विद्या अध्ययन करता रहता, अपनी मेहनत में लगा रहता है, वो बच्चा और अच्छे नंबर से तरक्की की ओर आगे बढ़ जाता है। मौन रहकर मेहनत करो, मौन रहकर भक्ति करो, मौन रहकर मेहनत करो, वो फल अधिक मिलता है उसका। अब मिल गया शरीर मनुष्य का, वो मनुष्य का शरीर मिलने पर भी हम भगवत भजन ना कर पाए तो फिर वो जन्म किस काम का। मान लो आज अगर हमारा मनुष्य शरीर मिला है तो हमको थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए मिला। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बहुत ठोकर लगा रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हमें बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा दुख है हमारी जिंदगी, हम बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे। हम आपसे कहें जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने रोग पर विजय प्राप्त करी है। जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने बीमारी पर रोग पर विजय प्राप्त करी है, और जिसने संसार की ठोकरों को खाया है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं नाम कमाया है, निश्चित है। अगर दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ कहा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हित होने वाला होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला होगा। हम हिम्मत ना हारे, हम हमारी भक्ति को और प्रबल करें, हम हमारे विश्वास को और दृढ़ करें, हम हमारे भरोसे को और प्रबल करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। हमें जैसी भी जिंदगी जी, हम उससे नाराज नहीं हो। संघर्ष का जीवन में मिला तो हम उससे नाराज ना हो। संघर्ष की जिंदगी भी मिले तो हम कभी नाराज ना हो। उसने दिए कुछ अच्छा, सोच कर दी होगी कुछ अच्छा, समझ कर दी होगी कुछ अच्छा, विचार कर दी होगी कुछ अच्छा, सोचा होगा हमारे लिए उस परमात्मा ने, कुछ अच्छा विचार करा होगा उस परमात्मा ने हमारे लिए। बहुत अच्छा जो पुष्प होता है
बहुत सुंदर जो फूल होता है वो फूल साधारण नहीं होता, या तो कांटों में लगता है या कीचड़ में खिलता है या सूर्य की तपन झेलकर सूर्यमुखी हो जाता है, कीचड़ में रहकर कमल हो जाता है, कांटों में रहकर गुलाब हो जाता है, जो बहुत बहुत अच्छा होता है उसकी जिंदगी में कष्ट तकलीफें बहुत आती है, और भगवान जैसे कीचड़ में कमल को ऊपर रखता है, कांटों में गुलाब को ऊपर रखता है, वैसे ही आपको भी परमात्मा हाथ में रखता है। इसमें आप यह ना सोचें कि बहुत कष्टप्रद जीवन है हमारा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, पत्र सभी अच्छे हैं, संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सांगवी पुणे, अच्छा इधर हैं क्या? हाँ, कैमरे वाले अगर कवर कर सकते हो तो कर लें, नहीं तो एलईडी वाले कवर करें, उसको नीचे थोड़ा कैमरा करके एलईडी वाले कवर करें। एक बार हाथ हिला दो संध्या बहन। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल सांगवी पुणे से, हम लोग सांगवी पुणे से हैं गुरुदेव, मैं आपकी कथा 2 साल से सुनती आई हूं। मेरा सांगवी पुणे में कपड़े का होलसेल का दुकान है, वही चलाते हैं। मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हड्डियों में सितंबर 2022 में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया। मैंने सब डॉक्टरों को पुणे के दिखाया, आखिरी में 15 नवंबर को 9 दिन तक पुणे के हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा, कि ये तुम्हारी उंगली बेकार हो रही है और इसमें इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है और ये उंगली बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई है, इसको तुम हैदराबाद ले जाओ। हम डॉक्टर के कहने पर बेंगलोर चले गए, हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद के बाद में हम लोग बेंगलोर गए और बड़े बड़े लैब में जांचें कराई, पर मेरी उंगली ठीक नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को, सारे डॉक्टरों ने जांच करी पर कुछ समझ में नहीं आया कि ये इन्फेक्शन कैसा है, कि कुछ दिख नहीं रहा, उंगली पूरी तरह से बेकार होने लगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि इस उंगली का ऑपरेशन होगा और उसकी तैयारी करो, फिर उस उंगली से हम मालूम करेंगे कि इसमें बीमारी क्या हो रही है। पर घबराहट हुई, क्या करा जाए, उसकी जांच करने के लिए उसमें से थोड़ा सा भाव निकालकर और उसको भेजा गया, जांच होना प्रारंभ हुई, रिपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब करें क्या, तभी हमारी ये पड़ोसन ने कहा कि ये काम करो, शिवजी के मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। उसने कहा मेरे हाथ में इतनी तकलीफ है, जल कैसे चढ़ाऊं, मैं एक हाथ में पानी का लोटा लेकर उसके कहने से जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाने लगी। शिव जी को एक हाथ से जल चढ़ाती थी, दूसरा हाथ मेरे महादेव का पानी जहां से बहकर जाता था उस पानी को झेल कर दूसरे हाथ पर मंदिर के बाहर बैठकर डाल लिया करती थी। गुरुदेव, शिवजी पे जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर मैं अपने उंगली पर डालती, डॉक्टर अपनी जांच करे। मैंने बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी कोई रोग ना निकले बाबा और मेरी उंगली ठीक हो जाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप कहते हो बाबा 3 महीने में सुनता है, मेरे बाबा ने 15 दिन में मेरी उंगली को ठीक कर दिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल सांगवी पुणे से, शिव तत्व की प्राप्ति इसको कहते हैं। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, मैंने जब पूना के डॉक्टरों को वापिस मेरी जांच दिखाई, उंगली दिखाई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये उंगली इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, जिसका ऑपरेशन होना था और जिसकी बीमारी का भी ठिकाना नहीं था। ये शिव तत्व है, हो गई।
आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल होती है। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। हमें लगता है कि हमने एक डॉक्टर को दिखा लिया, अब उसने जो बोल दिया वो हमने करा। जाओ डॉक्टर तक, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो दवाइयां लेकर आओ, डॉक्टर से कहकर आओ, उसके बाद में शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, उस पे चढ़ाया हुआ जल आचमन करना मत छोड़ना। डॉक्टर भी दवाई देता है तो मेरा काल अधिपति महाकाल भी दवाई देता है, वो भी औषधि प्रदान करता है। उस भरोसे पर जाना कि मेरा शिव मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरा साथ में है। और आपके भीतर जब विश्वास जागृत हो जाए, दूसरे नंबर पर जो अष्ट विनायक में गिने जाते हैं वो सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। बोलो सही है, अरे जम के तो बोलो। दूसरे नंबर पर अष्ट विनायक में सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। मुद्गल पुराण की कथा कहती है, अगर आपने स्मरण करा होगा मुद्गल पुराण में, तो आपने पढ़ा होगा कि सिद्धि विनायक की कथा कोई साधारण कथा नहीं। और सिद्धि विनायक मंदिर की विशेषता, उसका ज्ञान, उसका स्मरण हमसे ज्यादा तो आपको आता है, क्योंकि आप पुणे के रहने वाले हो। मराठी में क्या कह सकते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर ची माहेती तुमचा चांगली आहे। गड़बड़ हो जाए बोलने में तो तुम देख लेना हो, और कोई हमको, हम कोई मराठी तो बोलते नहीं ना, इसलिए स्मरण में थोड़ी बहुत स्मरण में आ जावे। वो हमसे अच्छी सिद्धि विनायक जी की माहेती, सिद्धि विनायक मंदिर का स्मरण, सिद्धि विनायक भगवान का स्मरण की क्यों बैठे वो अष्ट विनायक में एक विनायक बनकर। क्यों बैठे? पार्वती जी ने विश्वास के बल पर शिव जी को प्राप्त करा था, कार्तिकेय जी ने विश्वास के बल पर तारकासुर का संहार कर दिया था, सती माता ने विश्वास के बल पर शिव तत्व को प्राप्त कर लिया था। शिव तत्व जितने यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया उस दिन परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिलता ही कब है? वो विश्वास के बल पर ही मिलता है, वो भरोसे के बल पर मिलता है। एक छोटे से बच्चे ने एक बात लिखी, उसने एक पत्र में, छोटा सा बच्चा है, देखिए आशुतोष साहू, कहीं बैठा हो बच्चा तो हाथ हिला सकता है। आशुतोष साहू, मेरी उम्र 7 साल की है, मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर भेज देती है, तो मेरी मम्मी से मैंने कहा क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हो सकता है? मेरी मां ने कहा अगर तू शंकर का भजन करता है तो तेरा केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। पहले भी मैं 2-3 बार केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करा पर नहीं हुआ, लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो मेरी मां ने कहा एक लोटा जल तो चढ़ा। मैं जल चढ़ाने के लिए गया केंद्रीय विद्यालय के लिए, मैंने इंटरव्यू आदि कादिक सब दिया, पहली लिस्ट आई परंतु मेरा नहीं हुआ, तो मैंने भी पानी का लोटा उठा के मंदिर में रख के घर आ गया। मेरी मम्मी ने पूछा लोटा कहाँ है,
के मंदिर में दिया आया। पूछा क्यों, वो खोद उठा के ना लेंगे। अरे तो उसको लेके आना था ना। गुस्सा हो गया हूं मैं भगवान से, लोटा भर के जल चढ़ाया तो भी नहीं सुना और मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। माँ कहती है लोटा वापिस लेके आ। मैं लोटा लेकर आया, माँ कहती है मंदिर जाना मत छोड़, नहीं आया नाम, अगले साल देखेंगे। बेटा वो लिख रहा है कि मैंने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब दिया मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, जिसको दिया वो थोड़ा नहीं दिया, जब वो देता है तो बहुता में देता, बहुता वो देता है तो बहुता में देता है। अभी एक टीआई साहब से उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी आपकी एक लोटा जल बहुत कृपा करने वाला है, जब जब कोई उलझा हुआ व्यक्ति दिखता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि तुम्हारे घर के लोगों को बोलो कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं तो शंकर जी राह जरूर दिखाएंगे, शिव राह जरूर दिखाएंगे। हम लोगों से कह देते हैं कि उस जल में कुछ तो है, बाबा सुनता किसकी नहीं है। कई लोग आते हैं यहाँ पर, कई लोग बैठे भी होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, जिन्होंने लोटा भर के जल भी चढ़ाया होगा, प्रदोष का व्रत भी किया होगा और भोलेनाथ जी नहीं सुने होंगे तो उसको दिल भी दुखा होगा। सुनता किसकी नहीं है, जो केवल जल चढ़ा रहा है, जो केवल मंदिर तक जा रहा है, भगवान किसकी नहीं सुनता। अच्छे से सुनो, जो केवल जल चढ़ा रहा है, केवल मंदिर तक जा रहा है, मंदिर तक शरीर भी जा रहा है, जल भी जा रहा है, पर उसका दिल नहीं जा पा रहा, इसलिए बाबा सुन नहीं पा रहा। जिस दिन तुम दिल लेकर मंदिर में चले जाओगे, विश्वास लेकर, आज भी तो आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, अभी हम देख रहे थे आते आते रोड के डिवाइडर पर पेड़ों के नीचे लोग अपना अपना छाता लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं, विश्वास लेकर आज भी तो पहुंचे हो। और तुम कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता मेरे महादेव के चरणों के प्रति है, इसलिए 3 महीने में झोली भरने की जवाबदारी उस महादेव की। खाली नहीं भेजेगा वो, एक क्षण के लिए भी अगर आपने महापुराण की कथा सुनी। और हम तो यहां तक कहते हैं, जिन जिन पुलिस कर्मी की, जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन सिस्टरों की, जिन जिन नगर निगम वालों की, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी अगर इस कथा में लगी हुई है, वो भी तारीख लिख के रखना और 3 महीने इंतजार करना कि बाबा ने तुमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया कि नहीं। शिव तत्व क्या है उसको जाने तो सर, शंकर को हम पहचाने कैसे, शिव को हम जाने कैसे। वो पुणे की इस धरा पर अष्ट विनायक में से एक विनायक श्री सिद्धि विनायक भी है। श्री सिद्धि विनायक कैसे है? एक ब्राह्मणी जिसका पति मर गया, घर में केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी। जिसका कोई नहीं उसका तो भोले है यारो,
लोग कहते हैं कि ये चले गए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। कभी कभी बड़ा बड़ा भ्रम हो जाता है। एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, मेरे घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे मरने पर ये मर जाएंगे, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझे प्रेम करता है, मेरी बहू मुझे प्रेम करती है, मेरा पोता पोती मुझे प्रेम करते हैं, मैं मर गया तो मेरे पीछे परिवार मर जाएगा। एक गुरु जी को मालूम पड़ा कि सेठ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो गुरु जी ने सेठ जी से कहा एक काम करो ना, आधे घंटे के लिए मर जाओ, तुम आधे घंटे के लिए मर के तो देखो कि कौन तुम्हारे साथ में मरता है, कौन मर रहा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, क्या लेकर आए हो, जम के बोलो जरा। नहीं नहीं ये लाइन तुम्हारी गड़बड़ है, क्या लेकर जाओगे, ये शिवपुराण तो कहती है कुछ तो लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, कुछ तो लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए, अपने हाथ से किया गया पुण्य अपने साथ लेकर जाओ, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, अपना पुण्य अपने साथ, अपना भजन अपने साथ, अपनी भक्ति अपने साथ। जैसे कल वो लड़की ने लिखा कि ये लक्ष्मण भाऊ का फोटो लगा हुआ है, गुरुजी जिन्होंने मुझे विद्या अध्ययन कराई इसलिए मैं इस कथा में आकर बैठी हूं, क्योंकि भाऊ को नमन करती हूं जिसको भले इनके परिवार वालों को नहीं मालूम पर भाऊ ने मुझे पढ़ाया है, इसलिए उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। भले परिवार वालों को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्यों, वो व्यक्ति गया तो उसने कर क्या गया है। आमदार, खासदार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मिनिस्टर, मंत्री, ये सब पद तुमको मिल सकते हैं, पर निवेदन है इस पद पर पहुंचने पर तुम अपने हृदय से दया और धर्म बंद मत कर देना, ये चलती रहने देना। उसका कारण ये है, कुर्सी और पद तो बदलते रहेंगे, पर तुमने अगर कुछ पुण्य करा है, तुमने अगर कुछ दान करा है, तुमने कोई अच्छा कर्म करा है, तुमने जिंदगी में कोई अच्छा कृत्य करा है, तो वो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत यहां भी और वहां भी काम आएगा, और वो आता है, वो आता है। ये कथा कहीं और थी और पहुंची कहीं और है। ये लक्ष्मण भाऊ स्वयं इस कथा को अपने दिल में लिए होंगे, इसलिए कथा उनके स्मरण में हो। कुछ पुण्य कर गया हो, और कथा भी करवा रहे हैं तो शंकर भाऊ आपको साधु बांटता है, और पूरे परिवार को, पूरे परिवार को जिन्होंने जगताप परिवार का, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो बड़े भाई उनके विजय भाऊ हो, चाहे कोई हो, ये अपने परिवार का एक सुखमय, एक आनंदमय, कुछ कहते हैं गुल्लक में पैसा इकट्ठा करो, घर में कोई त्योहार होता है तो बच्चा का जन्मदिन होता है तो गुल्लक फोड़ के गिफ्ट लाता है, जब हमारे पूर्वजों का पुण्य के गुल्लक भराती है तब जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक, कुछ पुण्य किया, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाए। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपका भजन, आपका कीर्तन। बीमा कंपनी वाले कहते हैं इतने का बीमा करा लो, तुम मरोगे तो घर वालों को इतना मिल जाएगा। दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो तुम्हारे मरने की बात तुम्हारी पत्नी के सामने करती है। पत्नी सोफे पर बैठी रहती है और बीमा वाला कहता है भाऊ
बीमा करवा लो ना, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इतनी रिकवर राशि मिल जाएगी। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू डाल के सुनती रहती है, इतनी इतनी राशि मिल जाए। फिर पत्नी ने कहा कोई अच्छा पैकेज बताओ ना, रिकवर राशि ज्यादा मिले। सेठ भी ऐसा ही कह रहा था, मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा तू आधा घंटा मर जा। नहीं, मैं काहे को मरूं, अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरी पोता पोती को कुछ हो गया, तुम मर तो सही। उसने कहा नहीं मरूं। सेठ जी से गुरु जी करे 5 मिनट आधे घंटे मर जा, बाकी का मुझे देखना है कि तेरा परिवार कितना मरता, मुझे देखना ही है। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी ने कहा जवाबदारी मेरी, तू तो मर। पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए, डॉक्टर को बुलाया, थोड़े से रुपए देकर गुरु जी ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ और कह दो ये मर गया। डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब रो, नई नई डिजाइन में रोई, खूब रो। गुरु जी ने पूछा क्यों रो रही हो सेठानी? सेठानी कहती है मेरा पति चले गया। गुरुजी ने कहा मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, तुम मर जाओगी, पति जिंदा हो जाएगा। पति जिंदा। पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। पति जमीन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, भी परसों के दिन कह रही थी तुम कितने हैंडसम लगते, और अब कह रही है कि इनकी तो उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़ पड़े रहे वहीं पर। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, तू तो क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। अब बाप पड़ा पड़ा मन में सोच रहा, इसको लेनदारी की पड़ गई, बाप पड़ा उसकी जरा सा दुख नहीं है। इतने में गुरुजी ने कहा ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला पिताजी कह रहे थे अब तुम्हें सारा काम संभालना है। पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? तो गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के गले में हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई तुम्हारा पीछे, तुम नहीं खा लो। सब मिलके बा गुरुजी को बूटी खिला। अब गुरुजी ने उसको उठाया, उठ जा ये तू कहता था मैं गया तो सब चले जाएगा, लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं। सास कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है आधा घंटा मर के तो देखो, तुम जिंदा हो तो भी और मर जाओगे तो भी। हमारे यहाँ की तो रीति बनी है मरने के पहले और मरने के बाद का समय निकाल कर देखना, मरे भले तुम कहकर मरे कि मैं मर जाऊंगी उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, पर दुनिया के लोग जानते हैं कि मरने के 12वें दिन ही घर में घी का पीपा, तेल के पीपे, मावा, रबड़ी सब बनेगी, और सब नुक्ती और सेव, रायता, चने की सब्जी और पूड़ी सब चकाचक खाएंगे, और तेरा फोटो टंकर उस पे कंडे पे धूप देकर अगरबत्ती लगाएंगे। कौन पूछे किसको, कौन पूछे? तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर, शिव नाम क्यों नहीं जपे। कितने दिन याद करेंगे? केवल 13 दिन। फिर कौन याद कर रहा है, किसको याद करे? अपने हाथों से दान करते चलना, अपने हाथों से पुण्य करते चलना। जैसे ये लक्ष्मण भाऊ भले संसार सागर से गए हों पर उन्होंने अपने हाथों से ऐसा पुण्य कर कर गए कि वो जिंदगी का एक आनंद देगा। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चूकना मती किसी का भला करने में।
दीपावली पर जो आतिशबाजी में सुख नहीं मिलता, दिवाली पर जो फटाके फोड़ने में सुख नहीं मिलता, होली पर जो रंग उड़ाने में सुख नहीं मिलता, गणेश जी को जो लड्डू खिलाने में सुख नहीं मिलता, वो सुख एक गरीब के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। बन सके कोई तुम्हारे पास में आए तो उसकी सहायता अवश्य करो, उसकी सहायता करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो। करो, कोई कहे, हम ये नहीं कहेंगे कि चौराहे पर खड़े हुए लोग भिक्षा मांगने वाले जो भिखारी हैं तुम उनको कुछ दो, ना ना, कई लोगों ने तो धंधा बना के रखा है, उससे बचना है। ये भिखारियों का धंधा नहीं चलने देना इस भारत की भूमि पर, हमें उससे बचना है। करना क्या है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ढूंढो जिसको पढ़ने की बहुत तमन्ना है और उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसके शरीर में दवाई रोग है पर दवाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसको बहुत उन्नति करना है पर कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं है, उसके लिए तुम थोड़ा करने का प्रयास करो। आपको उसका एक आनंद जो मिलेगा वो दीपावली पर बम फटाके फोड़ने जैसी खुशियां प्राप्त हो, वो आनंद की अनुभूति आपके अंदर होगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी। एक ब्राह्मणी जिसका पति चले गया, घर में केवल बेटी है और वो है, हिम्मत नहीं हारी है, पति गया, बच्चों को संस्कार दिया, अपनी बेटी को संस्कार दे रही है और संस्कार में पीछे नहीं हटना। यह सिद्धि विनायक की दूसरे नंबर के विनायक की कथा चल रही है, अष्ट विनायक में से दूसरे विनायक की कथा चल रही है कि सिद्धि विनायक नाम, सिद्धि विनायक कैसे विराजमान हुए, सिद्धि विनायक कैसे आए और सिद्धि विनायक का मतलब क्या है, सिद्धि विनायक है कौन। जरा विचार करिए, रो रही है बेटी, मां ने पूछा क्यों रो रही हो तुम, किस लिए रो रही हो। मां, जब पिताजी थे ना तो मुझे गोदी में उठाकर स्नान कराने के लिए पवित्र पवित्र तीर्थ में लेकर जाते थे, पर अब मेरे पिता नहीं तो मुझे पवित्र तीर्थ में कौन लेकर, कौन स्नान कराएगा मुझे। दादा दादी में और माता पिता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ध्यान देना इस शब्द पर, दादा दादी में और माता पिता में बहुत बड़ा अंतर होता है। माता पिता बच्चे से कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और दादा दादी कहते हैं तू थोड़ा सा प्रणाम करा कर, थोड़ा झुका कर, मम्मी की बात माना कर, पापा का कहना माना कर, उनको दंडवत करा कर, उनको प्रणाम करा कर, उनको नमन करा कर। माता पिता बच्चे को पढ़ने का प्रेशर देते हैं और दादा दादी अपने पोते को संस्कार का प्रेशर देते हैं कि ये अच्छा बने। कार किसी के भी घर पर आ सकती है, लोन लो कार लाओ। बोलो री जीजियों, ए पूना वालियों, बोलो सही है कि गलत है। हम पहले एक बार कथा में कहे थे मकान, घर, हाउस और फ्लैट, इनमें बहुत अंतर है। मकान के कान होते हैं, ये सब चीजें हमने कही थी। उसमें एक बात हमने ये भी कही थी, फ्लैट, आदमी इतना कर्जा ले लेता है कि नौकरी कर करके आखिरी में लेट जाता है,
इतना। लोन लो, गाड़ी लो, गाड़ी किसी के घर पर भी आ सकती है, कार किसी के घर पर भी आ सकती है, थोड़ा सा पैसा उठा लो कार आ जाएगी, कार आने में दिक्कत नहीं है, कार किसी के यहां भी आ सकती है, पर संस्कार हर किसी के यहां नहीं आ पाते हैं, हर किसी के घर में संस्कार नहीं आ पाते। कार तो तुम कोई भी ला सकते हो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट जमा करना, पैसा थोड़ा सा जमा कर कर कार लेकर आ जाओगे। संस्कार किसी किसी के घर में आते हैं, हर एक के घर में संस्कार नहीं आते। कई लोग यहां पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बच्चे सुबेरे उठते हैं, प्रणाम करते हैं, तब ऑफिस जाते हैं। बहू उठती है, मम्मी को प्रणाम करती है, नमन करती है, माँ कैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पुणे आई हो, अच्छे से रहना माँ, थोड़े दिन के लिए आई हो, कैसी हो माँ। एक बहू वो होती है जिसके घर में माता पिता के संस्कार झलकते हैं और वो अपने घर के बुजुर्गों को आदर देकर चलती है। बेटा वो होता है जो अपने घर के बुजुर्गों को आदर देकर चलता है। और किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है कि माँ रह रही है, खा रही है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। पिता रह रहा है, खा रहा है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। कार ज्यादा होगी, बहुत कार होगी, उस कार का कोई मतलब नहीं है। अगर घर में श्रेष्ठ संस्कार नहीं तो कार की महत्वता कुछ भी नहीं है। क्या महत्वता? आजकल एक 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 वीडियो बनती है तो लोग बाग उस वीडियो में इंस्टाग्राम या उस सोशल मीडिया पर बहुत चलती है। कैमरामैन फोकस करो, वीडियो चलती है उस पर लिखा कैमरामैन फोकस करो। अब हम भी तो कहते हैं शिव भक्त शंकर जी के चरणों पर फोकस करो। जब आपका ध्यान शिव जी के चरणों पर होगा, शंकर भगवान के चरणों में जब आपका ध्यान होगा, तब शिव कृपा करने में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? किस लिए? सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, तब उस समय पर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपको हाथ देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। आपको पत्रिका देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? हमने दिखाई थी कोई इनसे, हमने जिससे पूछा, परंतु हम पूछते हैं उनसे कि हमारा अच्छा दिन कब आएगा, कितने दिन के बाद हम कोई अच्छा काम करें, हमारा वक्त कब अच्छा हो सकता है। पत्रिका देखने वाले के पास जाओगे, हाथ दिखाने वाले के पास में जाओगे, तो हर व्यक्ति जितने हो, तुम पत्रिका वाले के पास और हाथ दिखाने वालों के पास जाकर पूछते हो, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, जरा मेरा भाग्य देखकर बताओ। शिव पुराण कहती है अच्छा वक्त आज ही है, तू आज से ही कोई अच्छा काम चालू कर दे, बस तेरे दिन फिर जाए। हम इंतजार करते हैं अच्छे वक्त का, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त जब अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा। हम किसी किसी से अकड़ में कह देते हैं मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखा दूंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या। और तब हम कहते लोगों के सामने कहते रहे, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका वक्त आ गया।
छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया इसका वक्त आ गया। अब समझो कि हम इतनी अकड़ में जिंदगी जी रहे थे, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आन दे जब मैं बताऊंगा। परमात्मा कहता है वक्त किसी के हाथ में नहीं है, घड़ी तुम पहन सकते हो, घड़ी में समय तुम देख सकते हो, घड़ी तुम धारण कर सकते हो, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है पर समय तुम महाकाल के काल अधिपति के हाथ में, उसके हाथ में समय है। घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर समय उसके हाथ में। अच्छा बुरा तुम किसी से पूछते हो, मेरा अच्छा समय बताओ कब आएगा, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा समय अच्छा कब आएगा, मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, मेरी पत्रिका देखकर बताओ मेरा वक्त कब अच्छा आएगा। पूरी जिंदगी दिखाते रहना और ये पूछते रहना कि वक्त कब अच्छा आएगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है वो वक्त कभी नहीं आता, आज जो है अभी जो है जैसा आज है इसमें तू ऐसा कर कर निकल जा कि आज के बराबर कोई वक्त तुझे पूछना ही नहीं पड़े और तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जा। हमसे लोग कहते हैं अभी देवता सो रहे हैं तो हम दुकान कब डालें, अभी ऐसा हो रहा है पितृ पक्ष आ जाएगा तो 16 दिन अच्छे काम नहीं होंगे तो हम दुकान कब डालें। हम कहते हैं दिन मत देखना, समय मत देखना, तेरा मन जिस दिन कह दे, तेरा दिल जिस दिन कह दे और तेरे मन के अंदर जिस दिन शंकर आकर विराजमान हो जाए और तेरा दिल कह दे कि आज मुझे दुकान डालना है, आज मुझे ये काम करना है, उस दिन वो काम चालू कर देना तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। क्या पूछना, क्या पूछोगे? मौत का समय होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं, तुम तो स्टाम्प पे जब सब कुछ लिखो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी तो उसमें भी लिख देना मैं शाम को 6 बजे मरूंगी, उससे पहले नहीं मरूंगी। मौत का समय है, मौत का और महाकाल का, मौत का और शिव मंदिर का, मौत का और शिव पुराण का कोई समय नहीं होता। शंकर के पास जब तुम्हारा दिल करे तब पहुंच जाना। समय मत देखना कि शिव को भजने का समय क्या है, जब तुम्हारा मन करे फ्री हो, 2 मिनट का समय मिल गया, घर का सारा काम हो गया, मालूम पड़े टीवी पर कथा आ रही है तो सुन लो, नहीं आ रही है तो मुख से 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से अगर हमारे आसपास में कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमारे पास से दूर हो जाता है और शिव हमारे करीब आ जाता है। शिव मेरे पास में, औघड़ी शंकर मेरे करीब में है, शिव तत्व मेरे पास में है और शिव मेरे करीब में हो। एक बच्चे के शरीर में बुखार आता है, उसको कष्ट रहता है, तकलीफ रहती है तो बच्चा अपनी मम्मी और पापा से, पापा मुझे डर लग रहा है तुम मेरे पास आ जाओ ना, पापा माँ मुझे डर लग रहा है, मम्मा तुम मेरे पास आ जाओ ना, काका मुझे डर लग रहा है तुम मेरे पास आओ ना, काकी मुझे डर लग रहा है तुम मेरे पास आओ ना। छोटे छोटे मुलगा मुलगी एक शब्द कह देते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक शब्द कह देते हैं, आई मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना, भाऊ मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना। और जब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में दुख की घड़ी चल रही हो, कोई राह नहीं सूझ रही हो, कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा हो, बहुत बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही हो, तब महादेव के मंदिर में जाकर कहना बाबा बहुत डर लग रहा है तुम मेरे पास आओ ना, शिव को बुला बाबा बहुत डर लग रहा तो मेरे पास आओ। तुम मेरे करीब में आओ और जिस दिन बाबा को तुम दिल से पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे नजदीक। पर हमारी आदत इतनी विचित्र है ना कि हम बाबा को अपने पास बुलाने में उतना समय नहीं लगाते जितना समय हम निंदा और बुराई में लगाते। शिव की भक्ति में और अपनी मेहनत में, शिव की भक्ति में
और खुद की तरक्की में, किस किस चीज में, जम के बोलो जरा, शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का और बुराई देखने का वक्त ना बचे। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की बुराई देखें? बुराई कौन करता है? जो बिल्कुल फ्री होता है। निंदा कौन करता है? जो एकदम फ्री है। बुराई कौन देखता है? जो एकदम फ्री है। बैठ गए टीवी के सामने, सियोर वाला महाराज ने क्या बाचा, अच्छी चीज बाची वो नहीं देखा उसने, बस बैठ कर ये देखते रहे ये क्या गड़बड़ बोला, बस बुराई छाट लो क्योंकि फ्री बैठा है। शिव की भक्ति में और अपनी तरक्की में इतना वक्त लगाओ, इतना समय लगाओ, इतना वक्त लगाओ कि दूसरे की बुराई देखने में और दूसरे की बुराई करने में हमें वक्त ही ना मिले। कोई वक्त हमारे पास में नहीं कि हम बुराई देखेंगे, हम अच्छा करें। अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, शंकर की भक्ति करना है, शिव भक्ति में लगो। हम मंदिर भी गए हैं ना, तो दो चार बात कर आते हैं लोगों से, दो चार बात करके आते हैं, भगवान की बात नहीं करते। मंदिर गए और जाते से ही पूछा, क्यों आज इतना मुंह उदास है, क्या हो गया? बस मेरी बहू ने ऐसा कर दिया। हम मंदिर गए और फिर वहां जाकर विचार करा, क्यों कथा में नहीं आई? अरे अब क्या करते, तो तेरे यहाँ गाड़ी नहीं है क्या, कोई छोड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, बेटा ले जाता है गाड़ी, एक बार गाड़ी बहू ले जाती है। हम निंदा में लगे, मंदिर जाने के बाद तो हमारी बुद्धि चित्त ये सब परमात्मा में लगना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद तुम्हारा दिल कथा में लगना चाहिए, तुम्हारा चित्त कथा में लगना चाहिए। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ये पुणे महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है सांगवी में, एक सुई भी गिर जाए ना गुरुजी, तो कथा में मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। इतनी साइलेंट रहकर लोग कथा सुनते हैं, इतना साइलेंट है। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। भक्ति में अपना समय लगा दिया और अपनी तरक्की में अपना समय लगा, का फालतू का समय लगा। लोग फ्री बैठे हैं दिन भर बुराई करने के लिए, दिन भर निंदा करने के लिए, आप फ्री ना बैठे। मां उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिए, संस्कार दिए तो बेटी गोदी में बैठकर रोती है कि अब मुझे तीर्थ दर्शन में तीर्थ स्नान कौन कराएगा। बच्चों का दिल बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे ने जैसे लिखा, बच्चे ने अपने पत्र में लिख दिया कि मैं तो लोटा ही वहीं रखी आया। अभी ये निर्मल मन है बच्चे का, ये बच्चे के मन में पाप नहीं है। और मां कितनी कितनी विद्वान ऐसी मां होगी जिस मां ने कहा जा लोटा लेकर, और फिर मां ने कहा दूसरे दिन चल पानी चढ़ाने जा, नहीं जाऊंगा शंकर जी ने मेरे को फेल कर दिया, नहीं जाऊंगा। उस बच्चे को कौन समझाए, रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को, लोटा लेकर आ गया रख दिया। ये विश्वास दृढ़ता, ये एक एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं राजश्री मोतीराम चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोती नगर, मैं राजश्री चौहान, राजश्री मोतीराम चौहान, जिला धुलिया, मुकाम पोस्ट साकरी, गोपाल नगर, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव नमन करती हूँ शिव पुराण को। गुरुजी मेरी माँ पिछले साल जून के महीने में बहुत बीमार पड़ गई और उनको डायबिटीज भी थी, बीपी भी था, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई, चले के बराबर गई। वह बहुत बीमार पड़ गई इसलिए उन्हें हम डॉक्टर के पास लेकर गए और उनकी सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि गर्भाशय में गठान है
उस गठान का थोड़ा सा जल निकाल कर जांच करवाई तो उनको कैंसर बताया गया। जब कैंसर बताया तो कैंसर फोर्थ स्टेज का, चौथे स्टेज का कैंसर उनको बता दिया गया। अब चौथे स्टेज का कैंसर सुनकर सब हिल गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इनके पहले से ही कहीं ना कहीं आपको जांच कराना थी, और फोर्थ स्टेज का कैंसर है, बचना तो मुश्किल है, आप रेडिएशन कराई है और इस ऑपरेशन को करा लीजिए। फोर्थ स्टेज का कैंसर 60 वर्ष की उम्र से पार मेरी माँ, करें क्या। घर आ गए दवाइयां लेकर, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमारे पड़ोसी ने कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, उसको पानी में गलाओ तांबे के लोटे में, रात भर पानी में गला कर सवेरे उस पानी को शिवजी पर चढ़ाना, उस पानी को तुम्हारी माता को देना। सत्य में तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हाँ, लेकर जा। मैंने रुद्राक्ष लिया, लेकर आई और पानी में गलाकर अपनी माता को शिवजी पे चढ़ाकर जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम उसी हॉस्पिटल में गए जहां फोर्थ स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाया तो जब फोर्थ स्टेज का कैंसर वापिस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर उस जगह पर देख कर कहता है अब ये कैंसर फर्स्ट स्टेज पर आ गया है, फोर्थ स्टेज पर नहीं बचा है। डॉक्टर ने इलाज करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरी माँ ठीक है, इसलिए बाबा को हम नमन करने आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, उधर है हाथ हिला सकती। शिव तत्व अगर कैमरे की निगाह में आ जाए तो ठीक है, बाबा की कृपा। शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। थोड़ा जीवन में संघर्ष आ सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और ऐसा नहीं संघर्ष नहीं आएगा। भगवान भी तो परीक्षा लेता है। आप कथा सुनने बैठो, बार बार जल वृष्टि हो, फिर रुके, फिर जल वृष्टि हो, वो परीक्षा ले और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन कथा के तत्व में डूबा रहे, ये बड़ी विचित्रता का आनंद है। थोड़ा संघर्ष कर सकता है, थोड़ा कष्ट। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिले समय और बाबा दे तुम्हारे को, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर कर, कुछ अच्छा करो। और कितना सुंदर एक भजन की लाइन में आप लोग कहते हो ना कि भला किसी का, जम के बोलो जरा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर लो, तो अच्छा करने का प्रयास करो। प्रयास करो हम अच्छा करें, प्रयास करो हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो। बहुत कठिन होता है दूसरे को बदलना। परशु महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक, जो दूसरे नंबर का अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, यह हमें सीख दे रही है, यह हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। माँ ने अपनी बेटी से कहा तू क्यों चिंता करती है, माँ मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है, पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन, अब मुझे कौन लेकर जाएगा। आप पुकारो तो मां ने कहा तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूं, मैं तुझे लेकर चलती।
कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आंच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर करो, दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए, कौन लेकर जाए, रखे रहने दो यहीं पर, हाँ एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को, मां कहती है क्यों चिंता करती है, रेंदो रेंदो रेंदो, अब हो रहा है जल्दी दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को, शिव कथा कह रही है, मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूं तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती, मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी है, भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को, भादो के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने, 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी, पानी की छाजल झारा, पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी, 4 लड्डू छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल गई, दोनों। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा, भीतर के संस्कार थे। मां लेकर चली, जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी, तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। अब कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी, ये दान ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का, एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए, और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, माँ भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा, माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहाँ पर कोई है नहीं, अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूं, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल दे। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया,
कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी, बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे नहीं है, नहीं है हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के बोल दो तुम तो बोलो, कपड़े नहीं है, मेहमान में जाएं तो बच्चों को क्या पहनाऊं, बच्चों को स्कूल जाने के जूते नहीं है, उसके मुंह पर एक शब्द रहता नहीं है, बस नहीं है, जिसके संस्कार ऐसे पड़े होते हैं। और एक घर की बहू वो भी होती है, घर में कुछ भी नहीं है तो भी प्रसन्न होकर कहती है, थोड़ा बैठो मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, देख लेती है घी नहीं है, तेल तो है, देख लेती है ये नहीं तो दूसरा कोई सामान तो है, दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया, बेटी कह रही है माँ मुझे दान करने का सामान दे, माँ कहती है क्या दू मैं इसको दान करने के, चार लड्डू थे हाथ में, जल था, माँ ने चार लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है मैं दान किसको करूं, इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को दो लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना और दो लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है, ये नहीं कहा कि कहा गणेश जी को दो लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए दो लड्डू, चार लड्डू लेकर गई, दो किसके हैं जम के बोलो जरा, गणेश जी के, और दो किसके हैं लड़की, आधा पानी किसका, गणेश जी का, आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू, आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने जैसे, और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नी मंजा मंजा ही नहीं है, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती है बहू, इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को चार दिन घर में काम नहीं करना था ना तो मुझको बासी रोटी खाने को दी है, मैं रजस्वल धर्म से हो जाती हूं तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है, बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगा है। एक ही है, पूरे मंदिर में जितनी भी सामग्री होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है, पूजा रोली मौली हल्दी, तुम जितनी भी
थाली, अगरबत्ती, जितनी भी नाम निकलेंगे महिलाओं के नाम पर निकलेंगे। किसी ने पूछ लिया था, पूरे मंदिर में जो भी सामान है वो महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पर कुछ नहीं। हमने कहा है घंटा, कैसे नहीं, एक है घंटा है, टंगा है, जो आता है बजा जाता। तो भी कभी घंटा शिकायत नहीं करता कि मैं टंगा हूं बहुत दिन से। और कोई कोई की तो इतनी आदत रहती है, वो जब से 10-20 बार नहीं बजा दे उसे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। घंटा भी कहता है क्यों बजा रही है इतना, क्यों बजा रही, परेशान क्यों बजा। अब बासी रोटी का चूरा और उसमें गुड़ मिला हुआ और उसका लड्डू बनकर, चार लड्डू माने दे दिए, दो गणेश के और दो तेरे, आधा पानी गणेश पिएगा आधा पानी तू पीना, जा दान कर करा। और बेटी हाथ छुड़ा कर माँ का, 7 साल की बेटी भरे उस मेले में से, वो बेटी जो भरचक मेला था उस मेले में से वो बेटी बाहर निकली। एक पत्र आया बहुत बड़ा है, वैभव महादेव पवार, मोहल जिला सोलापुर, कहीं हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वैभव महादेव पवार, मोहल जिला सोलापुर। गुरुजी बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत करा और उस व्रत में दिया लगाया। दीप लगाने का फल यह मिला कि मेरी बहन के घर संतान नहीं थी, तो 8 साल के बाद मेरी बहन का गर्भ ठहरा और उसके यहां संतान हुई। गुरुदेव संतान तो हो गई, हम तीन बहन अपने पिताजी को साथ में लेकर अब ये विचार कर बाबा से प्रार्थना करी कि तुमने संतान दी है तो हम सीहोर जाकर प्रणाम करेंगे। कावड़ यात्रा में हम सीहोर पहुंच गए। गुरुदेव हमारी बहन और तीनों बहन और हम सब जब कावड़ यात्रा में गए, बच्चा छोटा था तो बहन बच्चे को लेकर कावड़ यात्रा की भीड़ में नहीं जा सकी, मैं अकेला कावड़ लेकर चला। पर हमारी बहन और बच्चा दोनों की दोनों इस भीड़ में पीछे आगे रह गए, मिल ही नहीं रहे थे, हम बहुत ढूंढे। थोड़ी देर बाद मिल गए, बच्चा और बहन दोनों प्राप्त हो गए। पर कावड़ यात्रा में इतनी भीड़ थी कि कुबेरेश्वर धाम के दर्शन नहीं हो पाए, तो मेरी बहन ने भी दरवाजे के बाहर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई और बाबा से कहकर आई, अब हम तुम्हारे यहां आ गए हैं, अब कुछ भी हो तुम्हें महाराष्ट्र आना है। और बाबा से कहकर आई, मेरी बहन यहीं पुणे में रहती है तो बाबा को निमंत्रण देकर आई कि तुम्हें आना पड़ेगा। और आज हम प्रसन्न इसलिए हैं कि तुम कहते हो गुरुजी बाबा 3 महीने में सुनता है, कावड़ यात्रा में निमंत्रण देकर आए थे, एक ही महीने में पहुंच गए, एक ही महीने। शिव तत्व इसी को कर, आपका विश्वास, आपने अपने बच्चों को क्या दिया है, संस्कार कैसे दिए हैं, हारना तो नहीं सिखाया अपने बच्चों को। ये शिव महापुराण की कथा किसी को हारना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया से हार जाओ तब आखिरी में मेरे बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर जाकर एक कंकर की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन। बहुत लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर शिव जी नहीं बैठे, लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, कुबेरेश्वर धाम पर अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, सब काम चल रहा है, निर्माणाधीन है,
ना वहां पर ज्यादा ठहरने की व्यवस्था है, ना वहां पर रुकने की व्यवस्था है, ना वहां पर पूरी कोई व्यवस्था है। वहां तो अभी इतने लेट बात भी तैयार नहीं कि हम तुमसे कह दें कि आपको वहां पूरी व्यवस्था, ना ना ना, वहां तो केवल वहां का कंकर और शंकर, जिसने दिल से स्थान है कंकर शंकर का, जहां पर हम कंकर की पूजन करते थे शंकर मानकर, उस स्थान पर आप भी बैठकर एक बार दिल से कंकर शंकर की पूजन कर कर आना, और दिल से बोल कर आना, बाबा तू मेरे साथ चल, मेरा कल्याण करना और मेरी झोली खुशियों से भरना, वो फिर बुला लेगा, फिर बुलाएगा। क्या है कुबेरेश्वर धाम पर? हम कहते पूरी दुनिया में शिव है, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर है, कंकर शंकर है। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु ले, दो लड्डू तेरे, दो लड्डू गणेश को दान कर देना। अब मां से, मां के मुंह से निकल गया, गणेश को दे देना। गणेश को दे देना, मां के मुंह से निकल गया, अब मां करे क्या। बेटी ने हाथ छुड़ाया, भीड़ बहुत थी, और बेटी माता का हाथ छुड़ा कर चल दी उसको ढूंढने के लिए। मेरी मां ने कहा है दो लड्डू गणेश को देना, अब गणेश को बेटी ढूंढ रही है, गणेश मिले कहां। ढूंढते ढूंढते बेटी जंगल की ओर बढ़ गई, सिद्धकोट की ओर बढ़ गई, जंगल की ओर। उसको नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गई, उसको नहीं मालूम। मां बेटी को ढूंढ रही है, बेटी मां को ढूंढ रही है, बेटी मां को नहीं ढूंढ रही, बेटी गणेश जी को ढूंढ रही है। दो लड्डू देना है, पानी पिलाना है, फिर मेरे को लड्डू खाना है और पानी पीना है, दान करना है मुझे। गणेश जी मिले तो सही, ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई, भीड़ से दूर, भयंकर जंगल, भयंकर वन। बेटी उस जंगल में, उसको भय नहीं है, मां को भय है मेरी बेटी कहां चली गई, पर बेटी को भय नहीं है, क्योंकि वो ढूंढने गणेश जी को गई है। जो शंकर को ढूंढता है, जो परमात्मा को ढूंढता है, उसको वीराने में भी भय नहीं होता। जो संसार को ढूंढता है वो भय खाता है। पुकारती पुकारती जा रही है, पुकार। नैनों में जल है बेटी के, और नैनों में जल भरकर पुकारती हो जा रही, पुकारती। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
झोली पसार क्यों ना सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े झोली पसार क्यों ना सुने तू मेरी पुकार मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा जय हो
खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। Thank you.
दूरी कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूरी कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते तूने से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तुमने ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुमने ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा। बाहर अगर कीचड़ हो रहा हो, पानी हो रहा हो, तो खड़े खड़े ही प्रार्थना करिए। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, मैं टीवी चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा कि बाहर के फोटो, बाहर के वीडियोस भी अवश्य आस्था चैनल पर और एलईडी वाले एलईडियों पर अवश्य दिखाएं। तीनों पंडाल के अलावा बाहर, और बाहर के अलावा बाहर, और उसके अलावा बाहर रोडों पर लोग डिवाइडरों पर जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। लाखों की संख्या में पुणे की इस पावन कथा में पुणे वासी पहुंचे हैं, लाखों की। शिव कृपा, शिव की दया, शिव की उदारता, शिव की करुणा जो आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े दिल से बाबा से कहिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर, जगह नहीं मिले कीचड़ हो पानी हो तो खड़े रहकर दिल से बाबा से प्रार्थना करना। वो देने में कमी नहीं रखता। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो।
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है आप विश्वास के साथ शिव आराधना करिए। बेटी ढूंढते ढूंढते गणेश जी को थक गई, मां ढूंढते ढूंढते बेटी को थक गई, मिली नहीं रहे। जिस कमरे में अंधेरा होता है उस कमरे में प्रकाश के लिए उजाले के लिए दिया लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण अष्ट विनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढ रही है, मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी, मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली, भूखी होगी। और बेटी वन में, धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी, शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर गणेश ओ गणेश भूख लग रही है, गणेश मेरी माँ ने कहा है दो लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, दो लड्डू मैं खाऊंगी आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश ओ गणेश भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है, गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवाधिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया, सब एक जगह परिकग्रित हुए। गणेश जी से कहा जाओ छोटी सी बच्ची पुकार रही। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और दो लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन, तू कौन, भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप लगकर एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती, तू कौन है। अब भगवान कहे कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे ही उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहां है, बता सूंड कहां है तेरी। गणेश जी बोले हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। लड़की ने कहा जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वह बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है देखो, गुरुजी मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है, मैं गांव मितवाली
तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लाए हैं, ठीक है, ला सकते हो उस बच्चों को तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए। इस पत्र में क्या लिखा है? गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है, मैं गांव मितवाली तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता पर आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ, मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे, आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे। नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा, मैंने वो करा पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं, अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बस केवल पशुपति। और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में 1 संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये शिव तत्व, ये शिव घड़ी है। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आती हूं। दोनों को फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल अग्रवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर कात्रज पुणे, कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे, और फोन नंबर लिखा है उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले लें या हाथ हिला दें? हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, हम कर थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, तब किसी ने कहा एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वहीं प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे और बाबा
हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का अभाव आ गया, रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर पर मेरा गर्व ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी मेरा गर्व ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि आप कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये शिव तक ओ घड़ी बचाया है, साथ में लाए हैं नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए हैं वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व, ले आओ ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही है, तुम लाओ इनको लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, दो हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन लेवे, भोले नाथ ब्यूटी। ये शिव है ओ घड़ी, दयालु दाता त्रिकाल दर्शी कैलाशी अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी, ओ लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। अरे लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया, जल्दी आ जाओ पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की। देखो बेटा बधाई आपको, जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा शिव तत्व, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है शिव तत्व है।